जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता होगा कि धनंजय धड़कन के साथ कभी कभी ऐसा और इतना बड़ा बड़ा धोखा हो जाता है जिसके बारे में हम लोगों को पता भी नहीं चलता। और पता भी चलता है कब, जब कुछ बड़ी बातें हो जाती है तब पता चलता है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोगों को बता दें, आप लोगों को पता होगा धनंजय धड़कन के साथ फिलहाल अभी कुछ ही दिनों पहले धनंजय धड़कन के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा था, इतना बड़ा धोखा कि इससे धनंजय धड़कन के लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ सकता था। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा धनंजय धड़कन के नाम पर धनंजय धड़कन के फैंस लोगों से रुपया ठकने की धोखा हो रहा था। शायद आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, मैं कई ऐसे सारे वीडियो बना चुका हूं, फुल डिटेल्स के साथ वीडियो बना रहा हूं। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, बल्कि दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया है और मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों से बातचीत कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी दिमाग में और आप लोगों के नजर में भी इस तरह का धोखा हो रहा है अभी फिलहाल आप लोगों के सामने में। जो कि दोस्तों ये कमेंट किए हैं सिद्धांत साहनी जी, तो लिखते हैं, भाई धनंजय भैया का चैनल सब्सक्राइब करो, तब जाके हर एक गाना का नोटिफिकेशन मिलेगा। उनका बहुत सारा चैनल है जैसे कि धनंजय धड़कन इंटरटेनमेंट, जब उनका न्यू सॉन्ग यूट्यूब पर आता है तो गाना बजाकर चेक करके देख लीजिएगा कि उनका सॉन्ग है भी नहीं, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उनके नाम से बहुत सारा फेक आईडी है दूसरे लोग यूज कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। जो कि दोस्तों ये भाई ने जो लिखा है ये बिल्कुल 100% रियल है और ये बात सच है कि धनंजय धड़कन के नाम पर अभी भी ऐसा धोखा हो रहा है और धनंजय धड़कन को बदनाम करने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ धनंजय धड़कन का बिल्कुल ओरिजिनल फेसबुक आईडी, बिल्कुल ओरिजिनल फेसबुक पेज को कॉपी कर लिया है। एंड बिल्कुल उसके जो धनंजय धड़कन एंटरटेनमेंट चैनल है उनको भी कई ऐसे सारे भाई लोग हैं जो उनका चैनल को कॉपी कर लिया है, और जैसे ही धनंजय धड़कन कोई गाना अपलोड करता है तो वो तुरंत उसे उठाकर अपने चैनल पर भी अपलोड कर देता है। तो दोस्तों इस तरह का धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जो भाई इस तरह का हरकत करते हैं तो क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा करके आप पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कमा सकते, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर एक ऐसा रूल है जो एक सच्चाई लोग ही यूट्यूब पर सक्सेस हो पाता है, वरना फेक आदमी, गलत आदमी कभी भी यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा यूट्यूब पर कई ऐसे कानून हैं जिसे सीखना और समझना पड़ता है, तब जाके एक यूट्यूब पर कोई अपने चैनल को ग्रो कर सकता है। क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट एंड कॉपीराइट क्लेम ये दोनों एक ऐसा चीज है जो आपके चैनल को भी बर्बाद करके छोड़ देगा। जितने भी मेहनत आप लोग फेक चैनल पर करते हैं वो चैनल तुरंत ही डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह का काम करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और जो भी भाई लोग धनंजय धड़कन के चैनल को कॉपी किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह का हरकत ना करें, नहीं तो धनंजय धड़कन का जितने भी फैंस लोग वो गुमराह हो जाते हैं कि आखिर कौन से चैनल है धनंजय धड़कन का, ओरिजिनल चैनल कौन है। तो फिलहाल दोस्तों मैं यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है आप लोग हमारी बातें को समझ पाएंगे। अगर जो भाई इस तरह का हरकत करते हैं प्लीज़ अपना चैनल को रिमूव कर दे या अपने चैनल को एक चैनल लोगो बनाकर अपना कंटेंट डालें, ना कि दूसरे को कंटेंट डालने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों ये था एक छोटी सी वीडियो जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।